खबरों में अब रुख करते हैं बिलासपुर ज़िले का। वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने कहा है कि बिलासपुर ज़िले को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। वे आज जिला उपायुक्त के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए काम किया जाएगा ताकि इसका लाभ लोगों को मिल सके। आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए भी एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जो हमारी प्रायोरिटीज़ है आज हमने साझा करी आपके साथ, जिनमें सबसे पहली है कि जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं जो चल रही है हमारे स्टेट में, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना। और जो स्टेट की आजकल प्रायोरिटीज़ है, चाहे वो ईवी चार्जिंग है, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल है, या इस वक्त जो एनएच का काम चला हुआ है, इसमें एक्विजिशन कंपनसेशन और जो काम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन है, इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे बड़ा मंदिर है नैना देवी माता का मंदिर है हमारा, तो उसमें जो है मूलभूत सेवाएं और सुदृढ़ करनी, उसका एक मास्टर प्लान बनाना और उसको 1-1.5 साल में हमने इंप्लीमेंट भी करना है कि जितनी अच्छी सेवाएं हम श्रद्धालुओं को दे वो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी दूर दूर से वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और हम चाहते हैं कि उनको कोई भी कमी ना हो।